दोस्तों, मैं कैलाश, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी एस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज़ लाई जाती है। प्रैक्टिस सीरीज होती है जिसमें हम GS के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं लेखपाल के अलावा PET, UP ROARO, Lower PCS, UPSI, UP पुलिस, टेट, सुपर टेट, SSC, CGL, CHSL, MTS तथा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी बंडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कान्हा किसली किस लिए प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं कान्हा किसली जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है। ए, राष्ट्रीय उद्यान, बी, राष्ट्रीय अभयारण्य, सी, उद्यान एवं अभयारण्य, और डी, भारतीय लोक नृत्य। तो जो कान्हा किसली है ये MP का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो कान्हा किसली जो है ये MP का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो शाकुंभरी देवी मेले का जो आयोजन किया जाता है ये सहारनपुर शहर में किया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा केवल डी अर्थात केवल दो। तो शाकुंभरी मेला जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में लगता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, देखिए बताना चाहूँगा, अगर ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो आँखों में दोष पाए जाते हैं। दोषों को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है, एक दूरदृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि ठीक होती है, दूर की दृष्टि साफ नहीं दिखाई देती। तो निकट दृष्टि दोष में हम जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सुमेलित विकल्प नहीं है? इनमें से कौन विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? तो वायुदाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है, सही है। हवा की गति शक्ति की माप एनीमोमीटर से की जाती है, ये भी ठीक हो जाता है। और वायुमंडल के दाब में परिवर्तन बैरोग्राफ के द्वारा किया जाता है। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा, हम देखेंगे। हृदय की गति की जो जाँच होती है ये डॉक्टर HRM के द्वारा करते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर होता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा भी हृदय की गति को वो अनुभव करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का जो प्रयोग किया जाता है ये बेलनाकार या आयताकार पदार्थों की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए या ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, हृदय की गति के लिए कैलिपर्स का प्रयोग नहीं किया जाता। अकबर का संरक्षक बैरम खान किस मत का अनुयायी था? हम जानते हैं अकबर का जो संरक्षक था ये बैरम खान था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने लड़ा था लेकिन बैरम खान के संरक्षण में ही लड़ा था, क्योंकि अकबर की जो अवस्था थी उस समय 13 वर्ष की आयु थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया, जिस युद्ध में बैरम खान ने अकबर को जीत दिलाई और अकबर को सिंहासन पर बिठाया। तो ये जो बैरम खान था अकबर का संरक्षक था, और ये किस मत का अनुयायी था, सिया मत, ये सिया मत से संबंधित था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये जो नारा था ये चिपको आंदोलन के लिए दिया गया। चिपको आंदोलन 1973 में 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड राज्य में चलाया गया। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये जो नारा है ये आपके चिपको आंदोलन का नारा है, जो 1973 में चलाया गया और ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। जिला स्तर पर IIT JEE तथा NEET जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? IIT JEE तथा NEET जैसी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाता है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के द्वारा IIT JEE तथा NEET की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। मौर्यकाल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्यकाल में गुप्तचरों को जो कहा जाता था गूढ़ पुरुष, क्या आंसर हो जाएगा, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित थे और बाद में इन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ये। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? तो आंसर हो जाएगा बड़ौदा के महाराज ने। किसने सहयोग दिया, बड़ौदा के महाराज, बड़ौदा जो है गुजरात में स्थित है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है। ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कौन सी भाषा कहलाती है? तो अमेरिकन गुप्त प्रचलित भाषा, दोनों ही गलत हो जाएंगी। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी नहीं होगा, तो कौन सा ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा मशीनी भाषा। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझता है वह निष्पादित करता है? तो मशीनी भाषा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली जो श्रेणी है ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाता है और ये गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक आती हैं। हम जानते हैं भारत का राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल्स यानी अरावली पहाड़ों पर ही बना हुआ है। तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नेपाल और राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में अरावली पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। इसके अलावा बताते हैं प्राचीन समय में ये उत्तराखंड तक थी, किंतु अभी ये जो है पर्वत खराब हो चुका है, विखंडित हो चुका है, तो इस वजह से ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक ही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। राजस्थान में अरावली श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आबू पर्वत पर स्थित है, जिसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने पहली बार पानी के भीतर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है? किस देश ने पहली बार पानी के भीतर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? आपका आंसर हो जाएगा रूस। क्या आंसर हो जाएगा? रूस। रूस ने पहली बार पानी के भीतर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला जो राज्य है ये कौन सा हो जाता है? देखेंगे एक बार। सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य है डी, गुजरात। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो हम जानते हैं सर्वाधिक नगरीकृत जो महाद्वीप है ये यूरोप महाद्वीप है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिणी गंगा पूछा जाता है तो आंसर हो जाता है आपका गोदावरी। जब दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा पूछा जाता है तो क्या आंसर हो जाता है? गोदावरी। लेकिन जब दक्षिण में गंगा या दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाता है तो आंसर क्या होता है? कावेरी नदी। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है, जो साल भर जिसमें पानी बहता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। हम जानते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत है आपका, इस साइड में जो पूरब की ओर नदियाँ गिरती हैं ये डेल्टा बनाती हैं और पश्चिम की ओर जो नदियाँ गिरती हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं अर्थात पूरब की ओर गिरने वाली नदियाँ या फिर बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो इसमें कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी तीनों ही किस प्रकार की नदियाँ हो जाती हैं? तीनों ही डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हो जाती हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल है और जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है बांग्लादेश में। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो देश है वो है आपका बांग्लादेश, अर्थात बंगाल वाला जो क्षेत्र है, बंगाल वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। अब हमारे यहाँ पर विभाजन के पश्चात पश्चिम बंगाल का क्षेत्र रह गया है, तो भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो प्रथम कृषि जो गणना थी ये की गई थी 1970 में, 1970 में। जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो जन योजना का जो प्रारूप था ये एम एन रॉय के द्वारा तैयार किया गया। जन योजना का प्रारूप जो था ये एम एन रॉय के द्वारा तैयार किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो द्वीप है वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया का जावा द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो द्वीप है इंडोनेशिया का जावा द्वीप। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है? ये हो जाएगा 31.2%। आंसर क्या होगा? 31.2%। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2%। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है?
तो हम जानते हैं राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 143 में, जबकि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान है अनुच्छेद 143 में, किंतु इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का जो गठन किया गया, ये किया गया फरवरी 2009 में। इसका जो गठन किया गया, ये किया गया आपके फरवरी 2009 में। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रसिया बरसाना ठीक है, बिरहा पूर्वांचल ये भी ठीक है, आला महोबा ये भी ठीक हो जाता है, कजरी बुंदेलखंड, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कजरी बुंदेलखंड जो है ये संबंधित नहीं है। आप लोग आंसर करके बताएंगे कजरी का संबंध कहाँ से है, जल्दी से आप लोग आंसर करें, जिसके बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताया जाएगा कि कजरी का संबंध किससे है। तो सभी को आंसर करना है कजरी का जो संबंध है ये किससे है। यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं था? कजरी था, ये सुमेलित नहीं था। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? कानपुर शहर में। कहाँ स्थित है ये? कानपुर शहर में। चलिए दोस्तों, ये सीरीज यहाँ कंप्लीट होती है। मिलते हैं कल की सीरीज में, और बताना चाहूँगा इसके बाद ही 6:15 बजे से करंट अफेयर्स की सीरीज अपलोड की जाएगी। जैसे ही आप इस सीरीज़ को खत्म करते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज है, आप उससे जुड़ना ना भूलें। हम आज उस सीरीज का 8वां यानी आखिरी अध्याय पढ़ने वाले हैं। इन 8 क्लासेज के माध्यम से हमने 800 क्वेश्चन कवर करते हुए साल भर का करंट अफेयर्स जो है वो कवर किया है। जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर्स इन 800 क्वेश्चंस के द्वारा हमने कवर किया है। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। इन जो भी GGS की प्रैक्टिस आपके लिए डेली शाम को 6 बजे लाई जाती है, इसकी डेली अपलोड कर दी जाती है PDF, तथा जो आप करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ रहे हैं तो 800 क्वेश्चंस की एक साथ PDF आज अपलोड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप इसी चैनल पर आपको 2 मिनट बाद प्राप्त होगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, तैयार रहें उस वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं उसमें।